भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, निसंदेह ये गाना आपने सुन रखा होगा। टीवी रिमोट के स्वैप बटन पर उंगली रखकर फुल सतर्कता बरतते हुए देखा भी होगा। मर्डर फिल्म का ये ट्रैक एक सेंसेशनल हिट था। इस गाने को गाया था कुणाल गांजावाला ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप, मैं हूं सोनाली। यहां शुरू हो चुका है मैटनी शो। मैटनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम कहां गए ये लोग, कुणाल गांजावाला। इन्हीं के गाए अनेकों गीत आपके स्कूल कॉलेज मेमोरीज का हिस्सा जरूर रहे होंगे। अर्ली से मिड 2000 कुणाल के करियर के वो साल थे जब उनका नाम टॉप सिंगर्स में था और उनके गाने टॉप चार्ट्स में शामिल रहते थे। लेकिन सूरज का चढ़कर ढलना भी प्राकृतिक है। गायकों का दौर उतने ही वक्त तक होता है जब तक मार्केट में उनके टक्कर की कोई नई आवाज नहीं आती। लेट 2000s आने तक मार्केट में हिमेश रेशमिया और आतिफ असलम की आवाजों का सुरूर चढ़ा हुआ था, जिसके चलते कुणाल गांजावाला नाम ओझल होता चला गया। इस डिजिटल एज में कहां है कुणाल और क्या है कुणाल की कहानी, आइए जानते हैं। April 14, 1972 को कुणाल का जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर में हुआ था। घर में कला का माहौल था। पिता हारमोनिका प्लेयर थे, बहन भरतनाट्यम में निपुण थी। लेकिन कुणाल स्कूल टाइम में आर्ट फील्ड में नहीं जाना चाहते थे, बल्कि पढ़ लिख कर सीए बनना चाहते थे। सिंगर बनने का ख्याल तो जहन में था भी नहीं कभी। स्कूल खत्म कर कुणाल कॉलेज पहुंचे। वहां कॉलेज फंक्शन में पहली बार स्टेज पर गाया। तालियां पड़ी तो रेगुलर कॉलेज फेस्टिवल्स में गाना शुरू कर दिया और कई इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स भी जीते। कुणाल अब सिंगिंग को करियर बनाने के बारे में विचार करने लगे थे। चूंकि पिता पहले से संगीत से जुड़े हुए थे तो उन्होंने भी कुणाल को प्रोत्साहन दिया, जिसके बाद कुणाल ने भारतीय विद्या भवन के सुधींद्र भौमिक से संगीत की शिक्षा ली। संगीत शिक्षा पूरी कर कुणाल काम की तलाश में लग गए। कुणाल की पत्नी गायत्री अय्यर भी सिंगर है। गायत्री ने माय दिल गोज, बेईमान मोहब्बत और ऐसे बहुत से फिल्मी गीत गाए हैं। कुणाल जी के शो सारेगामा पा के पहले सीजन का हिस्सा रहे। इस शो के बाद कुणाल म्यूजिक कंपोजर और डायरेक्टर रंजीत बारोट के साथ काम करने लगे। रंजीत बारोट इंडस्ट्री में बड़ा नाम थे, लिहाजा उनके साथ काम करते हुए कुणाल की मुलाकात एआर रहमान, शंकर महादेवन, अनु मलिक से अक्सर होने लगी। रंजीत बारोट की रेपुटेशन की बदौलत ही कुणाल को उनका पहला म्यूजिक प्रोजेक्ट मिला था। 90s का दौर था, इंडिया का कायाकल्प हो रहा था। कोका कोला, पेप्सी जैसे ब्रांड्स पनपते सैटेलाइट टीवी एरा में विज्ञापनों के सहारे इंडियन मार्केट पर कब्जा कर रहे थे। बच्चों के बीच बढ़ती सॉफ्ट ड्रिंक्स की खपत को रोकने और दूध पीने को बढ़ावा देने के लिए NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने पियो दूध कैंपेन लॉन्च किया। सिंपल राइम स्कीम वाला एक जिंगल बनाया और गाने के लिए एक ऐसे सिंगर की तलाश शुरू की जो अमेरिकन म्यूजिक से इन्फ्लुएंस हो रहे बच्चों को उसी स्टाइल में दूध का महत्व समझा पाए। एड मेकर्स की तलाश आकर खत्म हुई कुणाल गांजावाला पर और यहां से कुणाल के सिंगिंग करियर की शुरुआत हुई। कुणाल को बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला 2002 में आर्या बब्बर और अमृता राव की फिल्म अब के बरस में। ये फिल्म, इसके गाने और आर्या बब्बर तीनों ही नहीं चले, लेकिन कुणाल को इस फिल्म के बाद कई फिल्मों में गानों के लिए ऑफर मिले। उनमें से एक रहा साथिया का पॉपुलर ट्रैक ओहा तंग सोनी ओरे। ये वाला गाना तो खूब चला लेकिन कुणाल को पहचान नहीं मिली। याद रखें, चलने और पॉपुलर होने में फर्क होता है। फिर साल 2004 में आई इमरान हाशमी और मलिका शेरावत की मर्डर। इसमें गाना आया भीगे होंठ तेरे। बस इस गाने के बाद कुणाल का करियर वो ओ, 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 हो ही गया। इस गाने के लिए कुणाल को उस साल के जी आईफा समेत अनेकों अवार्ड समारोह में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी मिला। भीगे होंठ के बाद अगर कुणाल का दूसरा कोई सबसे पॉपुलर गाना है तो वो है चन्नावे घर आ जावे। इस गाने की वीडियो में सब टीवी के शो तेरा यार हूं मैं आने वाले सुदीप साहिर थे। इस गाने के बोल लिखे थे संतोख सिंह ने। गाना रिलीज होने के कई साल बाद भी पार्टी एंथम बना रहा था। कांटा लगा, बेरी के बेर मत तोड़ो जैसे रिमिक्स गानों की झड़ी के बीच चन्नावे का क्रेज कहीं कम नहीं पड़ा। आज के दौर में कुणाल अरिजीत सिंह को बेस्ट सिंगर मानते हैं। वो कहते हैं अरिजीत के अलावा बाकी सारे सिंगर्स एक जैसा ही साउंड करते हैं। फीमेल वॉइस में कुणाल नीति मोहन और शालमली होलगड़े को आगे देखते हैं। कुणाल ने हिंदी के बाद सबसे ज्यादा गाने अगर किसी भाषा में गाए हैं तो वो कन्नड़ भाषा में गाए हैं।
कुणाल ने पहला गाना 2005 में आकाश नाम की कन्नड़ फिल्म के लिए गाया, नीने नीने। ये ट्रैक वहां बहुत हिट हुआ। 2006 में कुन्नाडु मेल नाम की फिल्म में कुणाल का गाना ओन रे ओन डू सारी गाना उस साल का सबसे ज्यादा बिकने और डाउनलोड होने वाला गाना बन गया। इन गानों के बाद से अब तक कुणाल लगभग 450 से ऊपर कन्नड़ गाने गा चुके हैं। कन्नड़ के अलावा कुणाल बंगाली, पंजाबी, तमिल, मराठी जैसी कई भाषाओं में गाने दे चुके हैं। वर्ल्ड कप मैच चल रहे थे, कुणाल मैच देख रहे थे, तभी उनके फोन की घंटी बजी। फोन की दूसरी तरफ म्यूजिक डायरेक्टर अनु मलिक थे। अनु ने साथिया का ओ हम दम सोनियो रे सुनने के बाद कुणाल को फोन किया था। अनु ने कुणाल से कहा कि उन्होंने ये ट्रैक कमाल गाया है और अब कुणाल को अगला हिट गाना वो देंगे। इतना कहकर अनु ने फोन रख दिया। कुछ महीनों बाद दिवाली पर अनु ने कुणाल को फिर फोन किया और स्टूडियो बुलाया। कुणाल उस वक्त जिस बिल्डिंग में रहते थे वो टूटकर तार में तब्दील होने वाली थी, तो ये आखिरी मौका था कुणाल का अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपने पुश्तैनी मकान में दिवाली मनाने का, जिस वजह से कुणाल ने अनु से कहा कि वो कल आ जाएंगे। लेकिन अनु मलिक ने कहा कि वो आज ही आए, वो उनका ज्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ आधे घंटे में फ्री कर देंगे। कुणाल स्टूडियो पहुंचे तो अनु ने उन्हें भीगे होंठ के बोल बोले और कागज पर लिरिक्स लिखने को कहा। कुणाल लिरिक्स लिखने बैठे तो उन्हें लगा कि ये तो कोई गड़बड़ गाना है, लेकिन अनु मलिक को मना भी नहीं सकते थे। उन्होंने हैरानी से अनु मलिक की ओर देखा। अनु चेहरे पर आग लगा देंगे वाला भाव ले आए, जिसके बाद कुणाल गाना रिकॉर्ड करने लगे और मात्र 5 मिनट में गाना रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग के बाद कुणाल ने अनु से कहा कि वो दूसरा टेक तो लेना चाहते हैं, तो अनु ने मना कर दिया। अनु ने कुणाल से कहा कि यही फाइनल है और उन्होंने ये इतिहास रच दिया है। इतना कहकर उन्होंने कुणाल को गले से लगा लिया। महीनों बीत गए। अप्रैल 2004 में मर्डर फिल्म रिलीज हो गई। एक दिन कुणाल की पत्नी ने उनके बिल्डिंग के पास की बस्ती में बज रहे भीगे होंठ की आवाज सुनकर कुणाल से पूछा कि इतने वाहियात बोल वाला ये गाना उन्होंने गाया है क्या। अब कुणाल ये गाना इतनी जल्दी रिकॉर्ड करके आए थे कि उन्हें बहुत देर बाद याद आया कि वो गीत है जो उन्होंने अनु मलिक के लिए रिकॉर्ड किया था। इसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। कुणाल बताते हैं, भीगे होंठ की लोकप्रियता का आलम यह था कि कुणाल से कई महिलाएं आकर कहती थी कि उनके बच्चे ये गाना सुने बिना सोते नहीं है। अब कहा है कुणाल, तो कुणाल ने 2020 में कोरोना लहर में सावधानी बरतने का संदेश देता हुआ निकले तो निकल लोगे नाम से गाना रिलीज किया था। इस गाने की म्यूजिक वीडियो में मॉडल रॉय सिंघान फीचर्ड थे। कुणाल ने ये गाना 2020 के लॉकडाउन के दौरान सीमित संसाधनों में शूट किया था। कुणाल ने इस गाने के प्रमोशन के दौरान एक चैनल से म्यूजिक इंडस्ट्री में होने वाले भेदभाव के बारे में बात भी की थी। कुणाल ने कहा था कि रिकॉर्ड लेबल्स मनमानी शर्तें सिंगर्स के आगे रखते हैं और जो उनकी ये शर्तें नहीं मानता उनका करियर खत्म हो जाता है। कई बार तो सिंगर्स के गाने की पेमेंट महीनों तक नहीं आती है। कुणाल गांजावाला अब अपना बिजनेस करते हैं। उनके मुताबिक सिंगिंग लाइन से आप पर्याप्त पैसे नहीं कमा सकते। प्लेबैक सिंगिंग फिल्म इंडस्ट्री में ऑडियो पर उतना खर्चा नहीं होता है जितना वीडियो पर होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कुणाल ने संगीत से बिल्कुल संन्यास ले लिया हो। गायन भी करते रहते हैं, एक यूट्यूब चैनल खोल रखा है, इस पर गाने बनाकर अपलोड करते रहते हैं। 2018 में कुणाल ने गजल और जैज को ब्लेंड करके कमाल का एक एक्सपेरिमेंट किया था। ऐसे कई म्यूजिकल प्रयोग आपको उनके चैनल पर मिल जाएंगे। फिल्म की बात करें तो 2019 में कुणाल का अर्जुन कपूर की पानीपत फिल्म में मन में शिवा नाम से गाना भी आया था। तो बस आज के मैटिनी शो में आपके लिए इतना ही। मैं हूं सोनाली, देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।